इससे भरना कहीं था बना किसी मकान में तो घंटी दबा के बैठा वेंचर चल दी बालाजी महाराज की जय। देखो इधर देखो भाई जी बैठ जाओ पानी वाला नहीं नहीं सारे गड्ढे में एक एक ठोकी हो ये कौन से पार्ट पेड़ है भाई त्यागी जी पेड़ तो लगाना तो पानी लेना पर देना पड़ेगा रोज आके हां जो पेड़ लगाएगा जी लगाओ जी के साथ भारत माता की जय। दर्शकों देश भर की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा मंडरा रहा है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जो निगम पार्षद है सुमनलता नागर जी आज उन्होंने अपने वार्ड के अंदर वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा है। भारतीय जनता पार्टी की हैं, काम कर रही हैं, ईमानदार हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मैडम आज कितने अपने वार्ड के अंदर कितने वृक्षारोपण आपने करे? हमने कम से कम 700 पेड़ लगा चुके हैं अपने वार्ड में। जी अपने 700 पेड़ लगा चुके हैं जी। और आज वृक्षारोपण दिवस है जी। तो आज भी हमने कुछ पेड़ लगाए हैं जी। और अब से पहले अब तक मतलब 700 लगा चुके हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जो ये हवा है ये दूषित ना हो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकें और अपने पर्यावरण को शुद्ध रख सकें, क्योंकि हमारे आने वाले बच्चे हैं उनके लिए बीमारी ना बने। कुल मिला के कल को ध्यान में रखते हुए कल अच्छा हो उसके लिए जी, कल अच्छा हो आज से ही तैयारी है। तैयारी है जी। सिंह साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं एक तो आज वृक्षारोपण दिवस पे सबसे पहले पूरे क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हम सब इस कबूल नगर एरिया के जितने भी परिवार हैं सब हमारे निगम पार्षद सुमन लता जी को और नागर साहब को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि जो इस तरह से अपने कार्यक्रम करके हमारे बच्चों का भविष्य को सुधारने के में अपना जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। हम तहे दिल से इन सब वार्ड में सही काम हो रहा है। वार्ड में आज तक के पिछले कई निगम पार्षदों के समय से को आज देखा जाए तो उसके मुकाबले आज नंबर वन पे ये काम हो रहा है। इनको किसी कार्य के लिए कहने की जरूरत नहीं है, इनको जो चीज़ जहाँ पर दिखती है ये स्वयं उस कार्य के लिए खुद ब खुद तत्पर होकर खुद ही पब्लिक को अपने साथ जोड़कर उस कार्य में पहुँचते हैं। हम इनका तहे दिल से धन्यवाद इसी कारण करते हैं। नागर साहब क्या कहना चाहेंगे आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम आपने अपने ही वार्ड में? वृक्षारोपण दिवस पर मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूं क्षेत्रवासियों से कि अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ ही हमारा जीवन है, जिससे ही हमें शुद्ध हवा मिलती है। पेड़ जितना लगाएंगे उतना ही हम सब अपने जीवन को बचाएंगे। और दिल्ली का जो वातावरण है वो सबको पता है कि किस प्रकार से दूषित हो गया। लगातार दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही। हम नगर निगम से आग्रह किया हम लोगों ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी के सब यहाँ संगठन के लोग खड़े हुए हैं, हम सब मिलके मंडल के लोग भी मिलके सब इस पेड़ वृक्षारोपण में और क्षेत्रवासी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। अभी बताया निगम पार्षद ने कि 700 पौधे अब तक लगा चुके हैं, इस प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा। सौभाग्य से जितना 7 लोग जुड़ेंगे, जितना जो है पेड़ लगाएंगे उतना ही क्षेत्र का वातावरण हरियाली भरा रहेगा और सभी इसमें सहयोग कर रहे हैं, बड़ा बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। धन्यवाद। केपी त्यागी जी क्या कहना चाहेंगे वार्ड के अंदर जिस तरीके से काम हो रहा है? काम अच्छा हो रहा है और आज तो पर्यावरण दिवस पे ही बात होनी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण कल को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण कल और भविष्य जी। एक पेड़ से हम एक साल में 50 करोड़ की कम से कम ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं जी। तो हम जितने पेड़ लगाएंगे आप अंदाजा लगा लो एक पेड़ की कीमत क्या अनमोल है। बिल्कुल ठीक है। और ये कम से कम 50-100 साल तक ऑक्सीजन देता ही रहता है, फ्री में देते हैं, सेवा करते हैं। इसलिए वृक्ष लगाओ और साफ स्वच्छ अपने पास रखो, यही मेरे क्या कहना चाहेंगे आज के शुभ अवसर पर। सभी वृक्षारोपण दिवस पर सभी को बहुत बहुत बधाई और निगम पार्षद का बहुत धन्यवाद कि बजट होने के ना बावजूद भी इतना क्षेत्र में 700 पेड़ लगाए गए हैं। बहुत बधाई के पात्र हैं हमारे निगम पार्षद और मेहनत से लगन से जो काम कर रही हैं क्षेत्र में बहुत विकास हो रहा है। हो रहा है, पिछले क्षेत्र से ज़्यादा हो रहा है, पहले से ज़्यादा है, पहले ज़्यादा हो रहा है जी। बिल्कुल। पूर्णिमा जी क्या कहना चाहेंगे? वृक्षारोपण दिवस पे सबको बहुत बधाई और इसमें हमने E38 इसमें रोहतास नगर मंडल से हम लोगों ने 700 पेड़ से ऊपर हम लोग लगा चुके हैं और हमारे यहाँ पे पार्क का विकास काफी अच्छा हो रहा है। वृक्षारोपण दिवस है और सुमलता नागर जी और यहाँ की जनता जी
तहे दिल से पूरे पार्कों की सेवा करती है जी। और मैं यहाँ की पब्लिक को एक अपने तरफ से विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में भी अच्छे काम होंगे जी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, निश्चित रूप से जिस दिन आपके यहाँ कोई भी बच्चा पैदा होता है या आप उसका जन्मदिन मनाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं, मोमबत्ती को बुझा देते हैं, आप विश्वास रखिए उस दिन आप एक पौधा लगाइए जो आने वाले टाइम में उस बच्चे को ऑक्सीजन देंगे, उसको ताकत देंगे। और जिस दिन आप इस संसार से जाते हो एक पेड़ अपने साथ लेके जाते हो, आपके ऊपर जो लकड़ी पड़ती है उस पेड़ की पड़ती है, जब आदमी संसार से जाए तो उनकी याद में एक पेड़ जरूर लगाएं ताकि आने वाले टाइम में पर्यावरण से बचा जा सके।